Assalamualaikum, this is Majid Hussain and thanks for watching my video. तो जी आपको पता है कि Xiaomi एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि अभी नंबर वन पे है. ठीक है, वो Samsung को भी क्रॉस कर गया, Apple को भी क्रॉस कर गया, चाहे वो फ्लैगशिप डिवाइस हैं, चाहे वो एंट्री लेवल हैं, या चाहे वो अपर मिड रेंज डिवाइसेज हैं. तो इधर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 10, Redmi 10, not Note 10, Note 10 Pro. आपको पता है इससे पहले Redmi ने Note सीरीज लॉन्च की है, लेकिन इधर Redmi की आपको पता होगा एक Redmi सीरीज है जो कि जस्ट डिजिट से स्टार्ट होती है, यानी कि Redmi 8, Redmi 9. तो इधर अभी हम बात करेंगे Redmi 10 के बारे में. तो इधर जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं, और कुछ स्पेसिफिकेशन बस ऐवें ही है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. और मैं एक बात करना चाहूंगा, जिनको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती काइंडली वो मेरी वीडियोस ना देखें, लीव कर दें, ना देखें प्लीज. एनीवेज, तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो इधर आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा. ये डिस्प्ले आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, और तो और इधर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा. अगर सेल्फी शूटर की बात कर लें तो इधर आपको टॉप पे सेंटर पे होल पंच कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. रेट साइड की बात करें तो इधर जो इसकी रेट साइड है, जो कैमरा मॉड्यूल है, वो Redmi X3 GT से काफ़ी मिलता जुलता है. Redmi Note 10S की बात करें तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि Note 10 5G जो है. ये काफ़ी सारे जो स्मार्टफोन्स हैं, मतलब कि अभी तीन चार जो अभी रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उससे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मिलता जुलता है. तो इधर जो डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है, आपको पता है जो Note 10 सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर रही है, और उसके जो स्मार्टफोन है Note 10, Note 10 Pro वो काफ़ी पॉपुलर हुए. नो डाउट जो कैमरा है, जो स्पेसिफिकेशन है वो आउटस्टैंडिंग है. तो कैमरा और डिज़ाइन के लिहाज से जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छा है और एवरेज से अबव है. तो इसके बाद अगर इंटरनल स्टोरेज भी उसी में आता है. तो इधर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर की बात करें तो इधर आपको MediaTek Helio G88 जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा. G80 के बाद ही आता है G88, तो ये एक गेमिंग प्रोसेसर है. तो इधर जो ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, वो देखते हैं कि किस तरह की निकल के आती है. और अगेन जो मेरा स्लोगन है, ऑन द पेपर स्पेसिफिकेशन पे कभी भी ट्रस्ट ना करेगा. लेकिन इधर ये डिवाइस Xiaomi की तरफ से है, तो जो इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, जो ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है, वो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी. इसके बाद अगर रैम की तरफ चलें तो इधर आपको 6GB रैम के साथ जो 128GB तक जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी. तो इधर आपको MIUI 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी. तो ओवरऑल जो अभी तक स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, सॉलिड लग रही हैं. आपको पता है मिड रेंज स्मार्टफोन है तो उसके लिहाज से अच्छी है, लेकिन प्रोसेसर में थोड़ी सी आई थिंक मतलब कि डाउनग्रेडेशन जा रही है. एनीवे, इसके बाद अगर कैमरा की बात करें भैया, जिधर Xiaomi ने बहुत ही इम्प्रूव किया है, इधर लिटरली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. यानी कि इधर अगर हम रेयर साइड की बात करें तो इधर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, विच हाउसेस 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा. इधर पता है आपको इससे पहले जो नोट 10 है उधर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इधर 50 तो काफ़ी अपग्रेडेशन हुई है. तो इधर अगर सेल्फी शूटर की बात करें तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर वो देखने को मिलेगा. अभी तक ये जो रेयर साइड की कैमरा स्पेसिफिकेशन है ये तो कंफर्म कर दी गई है, और जो सेल्फी शूटर है आई थिंक उधर थोड़ी सी मे बी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा. Xiaomi की तरफ से अभी तक जो कंफर्म न्यूज़ है वो नहीं आई. तो इधर कैमरा के लिहाज से ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी. तो ओवरऑल अभी तक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है. इसके साथ ही अगर हम बैटरी की तरफ चलें, जिधर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ 18W की जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगी. ये भी सही है, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 5000 mAh की मैसिव बैटरी. तो ये जो स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले उसको टैकल करने के लिए, यानी कि बैटरी बैकअप, जो बैटरी टाइमिंग होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है. Xiaomi आपको काफ़ी अच्छी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिलीवर कर रहा है. इधर डिज़ाइन भी आपको न्यू देखने को मिला गया, ये मिड रेंज में आने वाला है तो उसके लिहाज से जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी हैं. इसके बाद अगर लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तक कोई लॉन्च डेट इसके रिलेटेड कंफर्म नहीं की गई. मे बी ये इस माह के बाद जो
नेक्स्ट मंथ होगा यानी कि अगस्त के बाद उधर जो स्मार्टफोन है Xiaomi वो लॉन्च कर दे फर्स्ट वीक में, तो इधर जो प्राइस होने वाली है वो अकॉर्डिंग टू मी इसकी 40,000 के राउंड अबाउट होने वाली है, क्योंकि अभी तक प्राइस और जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं की गई, और जो रूमर निकल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो इसकी प्राइस होगी वो राउंड अबाउट इसी प्राइस टैग के होने वाली है। तो लेट्स सी के Xiaomi इस डिवाइस को किस प्राइस टैग के साथ जो है वो लॉन्च करता है। एनीवेज ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो का एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, टेक केयर।